भी पीओ क्लर्क के एग्जाम आप लोगों के सर पर हैं और टू मेजर अनाउंसमेंट मैं यहाँ पर आपके लिए करने वाली हूँ। सबसे पहला तो क्लासेस के रिगार्डिंग, तो क्वांट को लेकर आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके लिए यहाँ पर बहुत स्पेशल चीज़ें मैंने स्टार्ट करी हुई हैं और आप लोग इन क्लासेस को बिल्कुल मिस मत करना, बिकॉज एग्जाम में देखो क्वांट क्या प्रॉब्लम करेगा, डीआई टाइम में नहीं बन रही, अर्थमेटिक अटेंड नहीं हो रही, ये रॉन्ग नंबर सीरीज दिक्कत कर रही है, स्पीड मैथ्स कर रहे हैं, टाइम लग रहा है, ठीक है। यही चार पांच चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स की मैं जानती हूँ आप लोग का मतलब क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको रॉन्ग नंबर सीरीज की मैराथन करा दी थी। अब ट्यूजडे 7 PM इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिग मैराथन डेटा इंटरप्रिटेशन की होगी। जब आप हर तरह का डीआई से कर लोगे, तरीके सीख लोगे, एक बंदा 5 मिनट में डीआई बना रहा है, आप उसी डीआई को दूसरे 3 मिनट में करने लायक बना रहे हो, तो देखो कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। और बिल्कुल फियर भी आपका दूर होगा, क्योंकि आप हर एक टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे, लैंग्वेज हैवी, लैंग्वेज इजी, आपका डबल बाई, बाई परसेंटेज, वेरिएबल, एवरेज बेस, डिफरेंस बेस, क्यूमुलेटिव, हर एक टाइप में इसमें करवाऊंगी। तो 7 PM ट्यूजडे को कनेक्ट होना मत भूलना। जितनी भी मैराथन्स हैं उनकी टाइमिंग 7 PM रहेगी, वो लंबी खींचेंगी, और बाकी क्लास की टाइमिंग 9 PM, जैसे आज हम मोस्ट एक्सपेक्टेड आपका मॉक करेंगे। इसके अलावा सेकेंड मैराथन आपकी होगी थर्सडे को, एक दिन छोड़ के, ठीक है। क्लासेस डेली चलेंगी लेकिन मैराथन्स बिग रहेंगी। तो कल आपकी ट्यूजडे को हो गए डीआई की, जिसमें आपका पूरा डीआई मैं कवर करवाऊंगी, आपको पीओ क्लर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। इसके बाद सेकेंड मैराथन आपकी थर्सडे को होगी गाइस, जिसमें हम 160 स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे आरआरबी के लिए। पीओ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो, मतलब कि आपका कुछ भी नहीं, और मुझे लगता है आफ्टर दीज टू क्लासेस डेफिनेटली इतनी आशा की किरण आएगी कि आप 25+ या बहुत सारे 30+ करने लायक बनोगे, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मान लो 10 से 12 आपके अर्थमेटिक के आते, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सारे नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाकी पेपर की लेंथ पे डिपेंड करता है, बाकी मॉक कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे ये भी डाउट रहता है कि मैम मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आते, टॉपिक टॉपिक वाइज पढ़ते हैं ले जाते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए ऑल इंडिया लाइव मॉक मैंने 22 जुलाई वाला आपको करा दिया। अब गाइडली का 27 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो 27-28 में एक है, फिर 29-30 में, फिर 3 अगस्त को, तो वो सारे ऑल इंडिया लाइव मॉक भी मैं आपके यूट्यूब पे करा दूंगी। तो आपको 22 मिनट में कैसे 40 क्वेश्चन को मैनेज करना है वो भी लाइव पता लगेगा, तो उससे भी बहुत कनेक्शन आपका बनेगा, बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे। तो इन क्लासेस को मिस मत करना, जो भी अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ, दैट मीन फ्रॉम मंडे 10 डेज तक आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना है, डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी सारी चीज़ें, ठीक है। बाकी मेंस के लिए रुद्रा 4.0 की क्लासेस 2 PM पर चल रही हैं, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोरिंग टॉपिक्स की क्लासेस, इसीलिए मैंने सारी पहले करा दी हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो क्लासेस हो चुकी हैं, आप लोग चाहो तो इनरोल कर सकते हो, बिकॉज इस साल के सारे मेंस कवर करेगा, आपका फालतू पैसा भी बर्बाद नहीं होगा, आप एक बैच से इस साल के सारे एग्जाम्स कवर कर लोगे, मेंस के IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस। तो इफ़ यू वांट देन यू कैन कनेक्ट विद मी। बाकी यूट्यूब की क्लासेस मिस मत करना, PDF भी इनकी प्रोवाइड करूंगी, बट लाइव इज कंपलसरी, लाइव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा गाइज, और डेफिनेटली यू कैन इंक्रीज योर मार्क्स, और ये सिर्फ RRB के प्रीलिम्स में आपको काम नहीं आएगा, ये आपके आने वाले एग्जाम में सब में काम होगा। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, स्टूडेंट्स को बहुत फायदा हुआ था, तो प्लीज़ कनेक्ट होना इस बार, और डेफिनेटली इस बार एग्जाम फोड़ दोगे तुम लोग, ठीक है। बस अच्छे से मेहनत करो, लास्ट के 10 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल प्रेशर के साथ नहीं पढ़ना है, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ना है, ताकि हम बात को फाइंड कर पाएं अपने सक्सेस का, ना कि फ्रस्ट्रेट होकर या फिर हाथ पैर फूल बैठ जाए, ठीक है। तो हर चीज़ का रास्ता है, बस इतना ध्यान रखना, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से होगा।